Candidates and welcome to Government Crackers. So in this session we are going to discuss important government schemes of 2022. तो उनके MCQs हम discuss करने वाले हैं. Again, जैसे मैंने बताया, these MCQs have eitherly come into any of the examination, चाहे वो आपके state examination हो या national level examination हो. तो वहाँ से मैंने कुछ selective questions उठाए हैं. जितनी भी government schemes December तक release हुई हैं, उनके कुछ selective MCQs हैं. So top 50 here I have selected, जिनके बहुत ज़्यादा chances हैं कि examination में वो पूछे जा सकते हैं. तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे और साथ ही आप लोग को सब्सक्राइब करना होगा यूट्यूब चैनल, ताकि आप इस तरह के फर्दर अपडेट्स को पा सकें. और आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि नोटिफिकेशंस नहीं जा रहे हैं. तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे सेशंस मिलते रहेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई कोर्स मटीरियल आपको चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं www.governmentcrackers.com. सारे मटीरियल्स, चाहे आपका FCAT एग्जामिनेशन और रिटल और अदर डिफेंस एग्जामिनेशंस, बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पे आपको 800 टू 900 रुपीज़ में आपको यह स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिसमें आपको पूरा प्रिसाइज कंटेंट, वीडियो लेक्चर्स एंड कंपाइल पीडीएफ्स के साथ ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. ठीक है, आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज़ द फर्स्ट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग पॉलिसी. ठीक है, तो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं. द राइट आंसर हियर इज़ उत्तराखंड. तो उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन रिलीज़ करा, जिसमें उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है कि वो लीज़ करेंगे एग्रीकल्चर लैंड को, विच इज़ बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट सच पॉलिसीज. ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए कि इट इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट सच पॉलिसी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू एस्टैब्लिश होटल्स टू प्रोवाइड मील्स एट सब्सिडाइज्ड प्राइस्ड कॉल कुदुम्बश्री होटल्स. ठीक है, तो नाम से एक आइडिया लग जा रहा होगा, साउथ का ही है, तो ये केरला होगा. स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला ने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च करा है टू एस्टैब्लिश होटल्स टू प्रोवाइड मील्स एट अ सब्सिडाइज्ड रेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम पोर्टल विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली मॉनिटर्स प्राइस ऑफ विच कमोडिटी. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो हियर द राइट आंसर इज वेजिटेबल्स, टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो. तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो हरसिमरत कौर बादल हैं, रिसेंटली उन्होंने फर्स्ट एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. ठीक है, जिसे MIEWS वेब पोर्टल कहते हैं. फुल फॉर्म है मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम. तो ये भी एब्रीवेशन में भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही जहाँ पे भी फर्स्ट वर्ड आ जाता है वो चीज़ें हमेशा पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, तो आप इसका ध्यान रखिएगा. ठीक है, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया मैंने आपको वो भी बता दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई विधान प्रोजेक्ट अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम. सो हियर राइट ऑफ ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स. तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो नोडल मिनिस्ट्री है फॉर इम्प्लीमेंटिंग ई विधान प्रोजेक्ट इन ऑल 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री. ठीक है, जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है, जिसे नीवा भी कहते हैं, ये बेसिकली मैसिव डेटा डिपॉजिटरी क्रिएट करती है टू ब्रिंग ऑल लेजिस्लेचर्स ऑफ द कंट्री ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन साइंटिस्ट स्कीम सी दैट इज किरण IPR एंड विज्ञान ज्योति आर स्कीम्स ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री. ठीक है, सो इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. क्योंकि विज्ञान की बात हुई है तो डेफिनेटली आप इसको ईजिली गेस आउट कर सकते हैं, सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड EMC 2.0 स्कीम. द स्कीम विल बी इन विच फील्ड. सो इट विल बी इन इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग. रिसेंटली जो यूनियन कैबिनेट है, विच इज़ चेयर्ड बाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हैज़ रिसेंटली अप्रूव फाइनेंशियल असिस्टेंट टू मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द नेम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पैकेज फॉर पुअर टू फाइट कोरोना वायरस पैंडेमिक एंड लॉकडाउन. तो इट इज़ प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण स्कीम, अकॉर्डिंग टू विच गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 1.7 लाख करोड़ इकोनॉमिक पैकेज टू द पुअर टू फाइट. तो आपको ये याद भी रखना है कि कितना प्रोवाइड हुआ, तो दैट इज़ 1.7 लाख करोड़ पैकेज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ HRD फॉर क्राउड सोर्सिंग ऑफ आइडियाज़ टू इम्प्रूव ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया. सो इट इज भारत पढ़े ऑनलाइन. दिस इज बेसिकली डन बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रमेश पोखरियाल, जिन्होंने ये स्कीम को लॉन्च किया है टू इम्प्रूव ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब
Arthamitra is the name of the helpline and mobile app launched by which Indian state? So it is Karnataka. State government of Karnataka ne is helpline ko launch kiya hai Arthamitra, jiska aim hota hai medical advice and guidance provide karna un logo ko jinko inki zarurat hai. Aur ye sare schemes aapke COVID-19 ki wajah se hue hain. Next question hai, what are the beneficiaries of YSR Matsyakara Bharosa scheme of Andhra Pradesh government? ठीक है, तो जिन लोगों ने schemes को देखा होगा ने पता है, नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिए क्योंकि ये सारे questions important है. तो the state government of Andhra Pradesh ने launch करा है YSR Matsyakara Bharosa amid COVID-19 pandemic. इस scheme के अंदर basically government आपको financial assistance provide करेगी 10,000 to each fisherman. ठीक है, तो मत्स्य basically fishes को भी कहा जाता है, इसीलिए इसको आप इस तरह से relate कर सकते हैं कि ये fish के. Next question is, NIGAH is a new initiative of which state government to aim to impart awareness among the family members of people coming from each other state. So it is Himachal Pradesh. Himachal Pradesh ne is initiative ko liya hai jisko NIGAH kaha gaya, jiska aim hai ki wo awareness degi among the family members of people coming to state from other parts of the country. Next question, Mission Sagar, the outreach initiative launched by India covers how many countries? So it is basically 5 countries. Aapko dhyan rakhna hoga wo kaun kaun se 5 countries hain. So it is Maldives, Mauritius, Seychelles, Madagascar and Comoros. Theek hai, yahan pe basically hame food or medicine including your HQC tablets and special Ayurvedic medicines deliver karne ke liye ye jo outreach initiative tha Mission Sagar, ye hua tha Indian Ocean mein. Theek hai, and it is one of the biggest operations. Next is, the Suraksha Store initiative has been launched by which union ministry? So it is your Ministry of Consumer Affairs, jinhone ye initiative liya to launch this particular scheme which actually will educate kirana store owners across the country about the safety guidelines and sanitation measures followed by their business. Next, which union ministry has launched a management information system named Champions Portal? So it is by Ministry of MSME, that is Medium Enterprises. So इन्होंने ये launch करा है www.champions.gov.com. ये एक control room है basically management information system के लिए, जिसका aim होगा for assisting Indian MSMEs and solving their grievances यानी problems. Next question, Haryana and Jammu Kashmir gave committed to provide tap connections to people by 2020 under which scheme? So it will be your Jal Jeevan scheme. So Jal Jeevan scheme basically recently Haryana ne submit kara ek action plan to Department of Drinking Water and Sanitation to commit to provide tap water and water connection to the all rural households by December 2022. Very important question. Next question is, what is the name of the social security scheme for senior citizens that has been extended to 3 more years? So it is your Pradhan Mantri Vaya Vardhana Yojana. Ye union cabinet ne is scheme ko extend kiya hai. Ye ek pension scheme hai for senior citizens who are above 60 years of age for a period of 3 years. So ye kab tak chalega aapka? 2017 mein initially लॉन्च हुआ था और 2023 तक ये चलेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ हुनर आर्ट इनिशिएटिव प्रपोज टू बी लॉन्च्ड आफ्टर लिफ्टिंग ऑफ लॉकडाउन? सो ये आपका होगा लोकल टू ग्लोबल. ये इनिशिएटिव है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के थ्रू, जिसमें हुनर हाट को एक्सपेक्ट करा गया था लॉन्च करने के लिए वंस द लॉकडाउन इज ओवर, मगर लॉकडाउन ओवर नहीं हुआ. ठीक है, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? सो इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स. तो ये बेसिकली एम करता है टू मेक क्वालिटी मेडिसिन अवेलेबल अंडर अफोर्डेबल प्राइसेस टू रिड्यूस आउट पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ द हेल्थ केयर सेक्टर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ मंथ लॉन्ग ड्राइव टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कोविड-19 पैंडेमिक अंडर मिशन फतेह? सो ये ध्यान रखिएगा, फतेह नाम से आप समझ सकते हैं पंजाबी है, तो इसको आप पंजाब से इजीली इसको रिलेट आउट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर माइग्रेंट
वर्कर्स, तो बहुत सारे ने किया है, मगर यहाँ पे राजस्थान जो है उसने लॉन्च किया है, अलग अलग स्टेट्स ने अपने अपने तरीके से किया है। राजस्थान ने जो है एक ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बना दिया, तो आपको नाम ध्यान रखना होगा। इसी तरह दिल्ली का भी है, यूपी का भी है, तो आप उनको ज़रा नाम से एक बार देख लें, ठीक है। नेक्स्ट इज़ विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली फिक्स द लिमिट ऑफ लोकल कंटेंट इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ 55 प्रोडक्ट्स। सो इट इज़ योर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जिसने एक फिक्स्ड मिनिमम परसेंटेज किया है फॉर लोकल कंटेंट इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। बेसिकली ये स्टेप से होगा क्या कि गवर्नमेंट का जो इफेक्ट है बूस्ट करने का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एज पर मेक इन इंडिया, वो जो है इससे कहीं ना कहीं लिंक्ड है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू फ्रेश ग्रेजुएट्स एंड ऑल अर्बन लोकल बॉडीज। सो इट इज ट्यूलिप, ये आपने देखा होगा, जो कि एक ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसका फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, इसीलिए इसको ट्यूलिप कहा गया है, ठीक है। ये आपका थीम है इसका एस्पिरेशनल इंडिया, जिसके अंदर इसको लॉन्च किया गया, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज पैंडन इज अ कैंपेन लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट और यूटी। सो इट इज छत्तीसगढ़। क्यों लॉन्च किया गया है वो भी देख लेते हैं। इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है टू रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ सुसाइड एंड फ्रैटिसाइड इन्वॉल्विंग पुलिस पर्सनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज अप्रूव्ड एन ऑर्डिनेंस टू insert imprisonment and fine for acts related to cow slaughter, ठीक है, बहुत important है। so it is उत्तर प्रदेश, उन्होंने recently एक amendment ही कर डाला, amendment ordinance 2020 by amending cow slaughter act 1955, तो ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये ordinance implement हुआ है, तो ये ध्यान पूछा जा सकता है आपसे article के form में भी, तो उसको आप ध्यान रखिएगा, cow slaughter act आपका 1955 का है। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च्ड पोल्यूट्री पॉलिसी 2020 एंड अनाउंस सब्सिडी फॉर पोल्यूट्री रिलेटेड एक्टिविटीज़। सो इट इज़ जम्मू एंड कश्मीर, जिन्होंने प्रमोट करना इस्टैब्लिश किया इस पोल्यूट्री यूनिट को, और एक अनाउंस किया कि डेडिकेटेड एलोकेशन ऑफ 50 करोड़ पर एनम इसको हम सब्सिडी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यभामा पोर्टल दैट वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली प्रमोट विच रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर। सो इट इज़ योर माइनिंग सेक्टर को ये बेसिकली प्रमोट करता है, और जो आपकी यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल्स एंड माइंस है प्रहलाद जोशी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। सत्यभामा मीन्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट पोर्टल, ठीक है, तो ये फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना। सो इट इज़ लॉन्च्ड बाय त्रिपुरा, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने इसको लॉन्च किया है। इस स्कीम के अंदर बेसिकली विल बी कॉम्बैटिंग इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टैलिटी एंड माल न्यूट्रिशन बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन किट्स टू प्रेगनेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ फॉर्म्ड अ डेडिकेटेड कमीशन टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर माइग्रेंट लेबरर्स। सो इट इज़ योर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने रिसेंटली ये डेडिकेटेड कमीशन क्रिएट किया है, जिसका एम होगा टू क्रिएट जॉब फॉर दोज जो अपना अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री से कोविड की वजह से अपने स्टेट वापस आए हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर स्टेट ने किया है, तो आपको थोड़ा सा नाम ध्यान रखना पड़ेगा। विच इंडियन स्टेट इज़ टू लॉन्च फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम कॉल बलराम योजना। सो ये आपका उड़ीसा ने किया है, ये सीक्वल है कालिया स्कीम का। नाउ व्हाट इज़ अ कालिया स्कीम, जो प्रोवाइड करती थी आपका असिस्टेंस टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अंडर दिस न्यू स्कीम अब जो स्टेट है वो प्रोवाइड करेगी क्रॉप लोन्स अप टू 7 लाख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट हैज़ प्रोवाइडेड ऑफ अबाउट 23,848 करोड़ टू इट्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज। सो इट इज़ ओडिशा। ओडिशा ने अप्रूव किया है, एंड ये एलोकेशन हुआ है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ फिफ्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो ये भी ध्यान रखिएगा, फिफ्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन के अंदर इसका रिकमेंडेशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट इज़ एन एंटी डेंगू कैंपेन ऑर्गेनाइज इन विच इंडियन स्टेट। सो इट इज़ योर न्यू दिल्ली, जिसमें अराउंड 2 करोड़ पीपल इन दिल्ली आर कोलैबोरेटिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट यूटी हैज़ लॉन्च्ड ई फाइलिंग कंज्यूमर कंप्लेन सिस्टम। सो अगेन न्यू दिल्ली, अरविंद केजरीवाल हैज़ इनॉग्रेटेड दिस पर्टिकुलर फाइलिंग
portal, and the system will help in aiming the people to file complaints through virtual modes during COVID-19. Next question is, what is the name of new scheme launched by Prime Minister related to Blue Revolution with an investment of around 20,050 crore? So it is blue hai, to water se aap relate kar sakte hai, to aapka ye Matsya Sampada Yojana hai, theek hai, jise launch kiya gaya tha to promote sustainable development of fisheries sector. एंड आगे आने वाले 5 सालों में इसको हम और एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज, अंडर विच नेशनल स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली सैंक्शन 670 इलेक्ट्रिक बसेस टू महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात एंड चंडीगढ़. सो इट इज़ योर फेम, तो यूनियन. ठीक है, तो ये आपका फेम क्या है? इट इज़ फास्टर अडोप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम. दिस इज लॉन्च्ड इन महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात एंड चंडीगढ़ अंडर फेज 2. एंड इन एडिशन टू दीज इलेक्ट्रिक बसेस, गवर्नमेंट विल ऑल्सो सैंक्शन 241 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस इन दीज पर्टिकुलर स्टेट्स. ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट इज द अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री, विच मिनिस्ट्री? सो इट इज़ योर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, जिसे SIIM भी कह सकते हैं, ये लॉन्च हुआ है, जिसका मिशन होगा टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अमंग शेड्यूल कास्ट स्टडिंग स्टूडेंट्स इन देयर हायर एजुकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइम मिनिस्टर इज टू लॉन्च द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर विच स्कीम? सो इट इज़ सबमिट सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज. फुल फॉर्म ये है. और इस स्कीम के थ्रू बेसिकली एम्पावर करेंगे द यूज ऑफ प्रॉपर्टी एज एन फाइनेंशियल एसेट. नेक्स्ट इज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली इन विच पोर्टल ऑफ MSME? सो इट इज़ योर चैम्पियंस पोर्टल. पहले भी मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ. दिस बेसिकली सिस्टम हैज़ टेक्नोलॉजी इक्विप्ड विद फिजिकल कंट्रोल रूम्स एंड अराउंड 69 लोकेशंस इन द कंट्री. नेक्स्ट इज, वॉट इज द नेम ऑफ द स्कीम ऑफ कल्चरल मिनिस्ट्री विच प्रोवाइड्स ग्रांट्स टू होल्ड कल्चरल प्रोग्राम्स विद लार्ज ऑडियंसेस? सो इट इज़ कला संस्कृति विकास योजना. Under this, the ministry sanctions grants to hold programs, activities which involve very large audience. Next is, which Union Ministry of India has launched Kapila campaign? So Kapila campaign Ministry of Education ne launch kiya hai. Iske andar basically aapka literacy awareness campaign and intellectual property awareness campaign hai, jo aapke higher educational institutes mein diya jayega, theek hai, mandatorily. This was basically done on the 89th birth anniversary of former president Dr. APJ Abdul Kalam. Next is, right of first refusal, ROFR, that was seen in news recently is associated to which field? So it is associated to shipping field. हुआ क्या था कि government ने एक amend करा था existing norm, जिसमें वो cater कर रहे थे vessels को, and the first priority will be given to ships built and flagged in India. ठीक है, सो ये आपका था. आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज द नेक्स्ट एडिशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट? सो इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसने रिलीज़ कर दिया अपना नेक्स्ट एडिशन ऑफ FDI पॉलिसी डॉक्यूमेंट. ये डॉक्यूमेंट बेसिकली इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं कंपेयर टू पास्ट ईयर और अभी जो नया सर्कुलर होगा आपका COVID-19 की वजह से. ठीक है, एंड इट विल कम into effect from October 15. Next is, what are the beneficiaries of one rank one pension scheme which was seen in news? So it was for armed forces veterans, जिसमें आपका Prime Minister ने recently highlight करा था one rank one pension scheme को, जो आपका completely implement हो जाएगा 5 years में. ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ लॉन्च आधार एनरोलमेंट ड्राइव फॉर स्टूडेंट्स ऑफ द स्टेट? सो इट इज़ असम. एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ असम ने लॉन्च करा है आधार एनरोलमेंट ड्राइव, जिसका एम होता है नियरली 70 लाख स्टूडेंट्स को स्टेट को कवर करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट PM कुसुम स्कीम? सो ये हो गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जिसने इसको लॉन्च करा है, जो अमेंड करेगा आपका गाइडलाइंस फॉर सोलर पावर प्लांट्स एंड कैन ऑल्सो बी इंस्टॉल्ड ऑन पास्चर लैंड्स.
Next question is, which union ministry launched development of wind parks, wind solar hybrid parks? So it is Ministry of New and Renewable Energy, जिसने launch करा है. इसका scheme ये होगा कि proper infrastructure, including evacuation facilities, इसको पूरा install किया जाए. Next is, which Indian state has launched Abhyam app for safety of women passengers? So it is Andhra Pradesh, जिसने ये launch किया है. ये app basically help करेगा women and children को to raise alarm in case of any emergency while traveling in taxis, auto rickshaw, etc. Next question, Fit India School Week is celebrated in which week? So it is December. December में आपका first week जो होता है, ये नवंबर लास्ट से ये आपका एज अ फिट इंडिया वीक सेलिब्रेट किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. व्हाट अमाउंट ऑफ ग्रांट हैज बीन अलॉटेड टू मिशन कोविड सुरक्षा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? सो अराउंड 900 करोड़ रुपीज़ हैज बीन ग्रांटेड. तो बजट का जो एलोकेशन अलग अलग जगह हुआ वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली पास्ड एंटी काउ स्लॉटर बिल? पहले भी आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये आपका कर्नाटका ने लॉन्च करा है एंटी काउ स्लॉटर बिल. द बिल विल बैन काउ स्लॉटर्स एंड प्रोसेस स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर वायोलेशन ऑफ द law. Next is, which Indian state is to launch a program named Kisan Kalyan Mission to double the farmers' income? So it is done by Uttar Pradesh, जिसके अंदर आपका exhibitions होंगे agriculture and allied sector के, और उन्हें organize किया जाएगा, proper meetings होंगे, scientific explanations होंगे farming के, ठीक है, and various departments जिसमें आपके horticulture, animal husbandry, fisheries ये सारे भी partner होंगे इस scheme में, ठीक है. तो this was all for this complete session. आगे के लिए किसी भी तरह की पेमेंट के लिए, मटेरियल के लिए आप पेमेंट करेंगे और विद इन 24 आवर्स यू विल गेट योर कंप्लीट मटेरियल. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन.